मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने 3 जुलाई रात 1:52 पर दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके शव को रात में ही बांद्रा के अस्पताल में परिजनों को सौंप दिया गया। सरोज खान की बेटी सुकैना ने बताया कि सुबह 7 बजे मलाड के कब्रिस्तान में सरोज खान को दफनाया गया। अपने ज़माने के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बता दें कि इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था, लेकिन बाद में सरोज खान ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सरोज खान रख लिया। सरोज खान की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार रात 1:52 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जो नेगेटिव आया था। 20 जून को सांस लेने में तकलीफ के बाद सरोज खान को मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन गुरुवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया है। सरोज खान ने सैकड़ों गानों को कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। 50 के दशक में सरोज खान ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहनलाल के साथ ट्रेनिंग ली। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज खान एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी, हालांकि उनके काम को काफ़ी समय बाद पहचान मिली। सरोज खान ने आखिरी बार कलंक फिल्म में बतौर कोरियोग्राफर काम किया था। आपको बता दें कि सरोज खान के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीसी स्टार न्यूज़।